हेलो पोके फैंस, आज की वीडियो में हम ऐश के सभी पोकेमोन की इवोल्यूशन देखने वाले हैं जो उसने कैलोस रीजन में पकड़े थे। हम सभी को कैलोस रीजन के पोकेमोन्स और इसका एनिमेशन बहुत ज्यादा पसंद आया था और साथ ही में हमें मेगा इवोल्यूशन भी देखने को मिला था जहाँ पोकेमोन और भी ज्यादा ताकतवर बन जाता है जो उसे लड़ाई के वक्त काम आती है। ऐश भी अपने नए पोकेमोन्स की मदद से पहली बार पोकेमोन लीग के फाइनल तक पहुंचा था और साथ ही मेगा स्टोन ना होने के बावजूद ऐश ने कई सारे ट्रेनर्स के मेगा वर्ल्ड पोकेमोन को हराया। तो चलो बिना समय वीडियो शुरू करते हैं। पहला पोकेमोन इवोल्यूशन ऐश के फ्लाइंग टाइप पोकेमोन फ्लैचलिंग का, जिसके पंख आग से लिपटे हुए हैं जो किसी पोकेमोन को भी जला सकते हैं और इसकी स्पीड का तो कोई जवाब नहीं। फ्लैचलिंग एपिसोड 35 में बैटल के दौरान अपने सेकेंड स्टेज में इवॉल्व होती है। तो चलो फ्लैचलिंग की इवोल्यूशन देखते हैं। इस एपिसोड में ऐश स्काई ट्रेनर मोरिया से मिलता है जहां वह उसकी पोकेमोन टेलर फ्लेम से बैटल करता है। बैटल के दौरान फ्लैचलिंग एक ताकतवर फायर ब्लास्ट का सामना करती है, जिसके बाद फ्लैचलिंग अपने सेकेंड स्टेज फ्लैचिंडर में इवॉल्व होती है, जिसे देखकर ऐश बहुत खुश हो जाता है और साथ ही अपने नए अटैक फ्लेम चार्ज से फ्लैचिंडर मोरिया के टेलर फ्लेम को हरा देती है। अगला पोकेमोन इवोल्यूशन है ऐश के फ्लैचिंडर का, जो सीजन 18 के एपिसोड 38 में अपने फाइनल स्टेज में इवॉल्व होती है और इसकी इवोल्यूशन क्लिप बहुत ही ऑसम है। तो चलो फ्लैचिंडर की इवोल्यूशन क्लिप देखते हैं। इस क्लिप में फ्लैचिंडर लेजेंडरी पोकेमोन मॉल्ट्रिस से बैटल करती है, जहां मॉल्ट्रिस ऐश और उसके फ्रेंड्स पर हमला करता है, जिसे बचाने के लिए फ्लैचिंडर बीच में आ जाती है, जिसके बाद फ्लैचिंडर अपने फाइनल स्टेज टेलन फ्लेम में इवॉल्व होती है, जिसे देखकर सभी शॉक हो जाते हैं और साथ ही ऐश के पास एक ताकतवर फ्लाइंग टाइप पोकेमोन आ जाता है। अगला पोकेमोन इवोल्यूशन ऐश के वाटर टाइप पोकेमोन फ्रोकी का, जो एक कैलोस स्टार्टर पोकेमोन भी है। फ्रोकी ऐश का कैलोस रीजन में पहला पोकेमोन था जो ऐश को बहुत ज्यादा पसंद करता था। फ्रोकी सीजन 18 के एपिसोड 4 में इवॉल्व हुआ था। तो चलो इसकी इवोल्यूशन क्लिप देखते हैं। इस क्लिप में ऐश का फ्रोकी सेजो के मालामार से बैटल करता है, जहां फ्रोकी पत्थरों के अंदर फंस जाता है, जिसके बाद मालामार उस पर हमला करने जाता है, जिसके बाद फ्रोकी अपने सेकंड स्टेज फ्रोगिडर में इवॉल्व होता है, जिसे देखकर ऐश शॉक हो जाता है और साथ ही फ्रोगिडर सेजो के मालामार को भी हराने में कामयाब हो जाता है। अगला पोकेमोन इवोल्यूशन ऐश के फ्रोगिडर का, जो सीजन 19 के एपिसोड 7 में अपने फाइनल स्टेज में इवॉल्व होता है। तो चलो हमारी फेवरेट इवोल्यूशन देखते हैं। इस क्लिप में ऐश और सेनपाई हिदायू के बिशाप से बैटल करते हैं, जहां बिशाप सबको आसानी से हरा देता है, जिसके बाद बिशाप शैडो क्लाउ से पिकाचू पर हमला करने जाता है, लेकिन बीच में ऐश का फ्रोगिडर आ जाता है, जिसके बाद वो अपने फाइनल स्टेज ग्रेनिंजा में इवॉल्व होता है और ग्रेनिंजा अपने नए अटैक वाटर शुरिकेन से हिदायू के बिशाप को हरा देता है। ऐश का ग्रेनिंजा एक डार्क और वाटर टाइप पोकेमोन है और हम सभी को पता है कि ऐश का ग्रेनिंजा कितना ताकतवर है। साथ ही ऐश के ग्रेनिंजा के पास बैटल बॉन्ड की एबिलिटी है, जो किसी और पोकेमोन के पास नहीं है, जिसमें ट्रेनर और उसके पोकेमोन के बीच एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। तो चलो ऐश के ग्रेनिंजा का बॉन्ड इवोल्यूशन देखते हैं। इस क्लिप में तुम लोग देख ही सकते हो ऐश और ग्रेनिंजा के बीच एक बॉन्ड बन रहा है, जिसके बाद ग्रेनिंजा एक अलग फॉर्म में आ जाता है, जिसे सभी ऐश ग्रेनिंजा फॉर्म कहते हैं, जिसकी वजह से ऐश का ग्रेनिंजा इतना पॉपुलर हुआ। अगला पोकेमोन इवोल्यूशन ऐश के ड्रैगन टाइप पोकेमोन गूमी का, जो सीजन 18 के एपिसोड 13 में अपने सेकेंड स्टेज में इवॉल्व होती है। तो चलो इसकी इवोल्यूशन क्लिप देखते हैं। इस क्लिप में ऐश की गूमी ग्रम्पिक से बैटल करती है, जहां ग्रम्पिक गूमी पर हमला करता है, लेकिन उसे बचाने के लिए ऐश बीच में आ जाता है। ये देखकर गूमी इमोशनल हो जाती है, जिसके बाद वो अपने सेकेंड स्टेज स्लीगो में इवॉल्व होती है, जिसे देखकर सभी शॉक हो जाते हैं, जिसके बाद स्लीगो अपने नए अटैक ड्रैगन ब्रेज से ग्रम्पिक को केव के बाहर फेंक देती है। अगला पोकेमोन इवोल्यूशन है ऐश के स्लीगो का, जो अपने फाइनल फॉर्म में इवॉल्व होने के बाद एक सूडो लेजेंडरी पोकेमोन बन जाती है, जो सीजन 18 के एपिसोड 17 में अपने फाइनल स्टेज में इवॉल्व होता है। तो चलो स्लीगो की इवोल्यूशन देखते हैं। इस क्लिप में जैसी के पमकाबू की वजह से जंगल में आग लग जाती है, जिससे सभी पोकेमोन खतरे में आ जाते हैं। ये देखकर स्लीगो रेन डांस अटैक करती है, जिसके बाद वो अपने फाइनल स्टेज गुद्रा में इवॉल्व होती है और रेन डांस की वजह से जंगल में लगी आग बुझ जाती है और गुद्रा अपने नए अटैक ड्रैगन पल से टीम रॉकेट को एक बार फिर आसमान की सैर कराती है। अगला और लास्ट पोकेमोन इवोल्यूशन है ऐश के नोबैट का, जो एक फ्लाइंग और ड्रैगन टाइप पोकेमोन है, जिसे ऐश ने एग के थ्रू पाया था, जो सीजन 19 के एपिसोड 17 में अपने सेकेंड स्टेज में इवॉल्व होता है। तो चलो ये लास्ट इवोल्यूशन क्लिप देखते हैं और वीडियो एंड करते हैं। इस क्लिप में ऐश का हावलुचा लेजेंडरी पोकेमोन ज़ेब्डोस से बैटल करता है, जहां ज़ेब्डोस हावलुचा पर हमला करता है, जिसकी वजह से हावलुचा नीचे गिरने लगता है। ये देखकर नोबैट हावलुचा को बचाने जाता है और तभी वो अपने सेकेंड स्टेज नोवन में इवॉल्व होता है, जिससे उसे और स्पीड मिलती है और वो हावलुचा को बचा लेता है। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं खत्म होती है और होप करता हूं तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि तुम्हारी फेवरेट इवोल्यूशन क्लिप कौन सी थी। और अगर तुमने अभी तक बाकी सभी रीजन की इवोल्यूशन वीडियो नहीं देखी है तो जाके देखो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।